नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। दोस्तों आज भी जो है आप सभी के लिए बेहद इंटरेस्टिंग आईपीएल की और क्रिकेट की बहुत सी अपडेट्स आ रही है भाई। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग आईपीएल के फैन हो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, बगल में आपको घंटी का बटन दिख जाएगा उसको भी याद से दबा दीजिए। दोस्तों आज से जो है ना इंडिया का त्यौहार चालू हो रहा है भाई आईपीएल, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। अब 2 महीना बिल्कुल आराम से गुजरेगा। शुरुआत करते सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ओपनिंग सेरेमनी की। आपको जो है ना मैंने बताया था अपने वीडियो में ऑलरेडी कि भाई ओपनिंग सेरेमनी ये साल नहीं होगी, तो भाई अब बात करते हैं क्लोजिंग सेरेमनी की। दोस्तों कल जो है ना ये बहुत बड़ी अपडेट आई कि जो हमारी बीसीसीआई है वो लोग जो है ना भाई ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं, ओपनिंग सेरेमनी तो नहीं होगा लेकिन इस बार जो है ना बीसीसीआई क्लोजिंग सेरेमनी रखेगी जो कि दोस्तों 29 मई को हो सकता है। देखिए भाई ये जो है ना 100% कन्फर्म नहीं है, लेकिन इसको लेके जो है ना मतलब ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि 29 मई को जो है बीसीसीआई क्लोजिंग सेरेमनी रखने वाली है। ये जो है ना अपडेट मैंने आप सभी को सबसे पहले कहाँ पे दी थी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे आप लोग नहीं जुड़े हो, डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करो और भाई टेलीग्राम को हमारे ज्वाइन करके रख लो। दोस्तों बात करते हैं आज के पहले मैच की, तो जो पहला मैच है वो चेन्नई और केकेआर का है, जिसके लिए जो है चेन्नई के टीम में भाई मोइन अली नहीं खेल रहे हमको पता है, लेकिन जो केकेआर के भाई फिंच और कमिंस भी नहीं खेल रहे, लेकिन साथ ही में जो है ना केकेआर के लिए टीम सऊदी भी पहले मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो भाई ये बहुत बड़ा झटका है केकेआर के लिए कि केकेआर के लिए जो है ना टीम सऊदी पहले मैच में हमको खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, वो भाई अनअवेलेबल है। तो ये बहुत बड़ा झटका फिलहाल केकेआर को सहना पड़ रहा है। दोस्तों इस आईपीएल सीजन कौन जीतेगा, कौन कैसा खेलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट कौन गेम बदलेगा, ये सब बातें आपको अपने दोस्तों के साथ करनी है या फिर अपने क्रिकेटिंग नॉलेज का इस्तेमाल करके विंजो फैंटेसी पे पैसे जीतने हैं। इस आईपीएल सीजन भाई विंजो फैंटेसी बनाओ अपनी टीम और जीतो लाखों के कैश रिवॉर्ड्स। बिल्कुल सिंपल है, विंजो ऐप को डाउनलोड करो और फैंटेसी लीग में जाओ और अपनी टीम बनाओ। अगर डर है टीम में चेंजेस, कौन इन कौन आउट, लास्ट मिनट प्लेयर इंजरी, मैच कंडीशन एंड ग्राउंड कंडीशन में चेंजेस, ऐसे 50 तरीके के टेंशन, तो विंजो फैंटेसी वॉर पे सपोर्ट करो हमारे एक्सपर्ट की टीम। इसमें जीतने के चांसेस भी 50% है। बिंदास एक्सपर्ट सेलेक्ट करो और मैच देखो बिना किसी टेंशन के। अगर आपकी एक्सपर्ट की टीम जीतेगी तो भाई आपकी टीम भी जीतेगी। मैच के बाद आप सीधा अपनी विनिंग को विड्रॉ करो पेटीएम बैंक अकाउंट या तो फिर यूपीआई से। डाउनलोड करो विंजो मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से और पाओ ₹50 का कैश बोनस। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे हम लोग लखनऊ सुपर जायंट्स के दो प्लेयर, कौन कौन से दो नहीं सॉरी तीन प्लेयर, कौन से तीन प्लेयर, मार्कस टॉइनिस, जेसन होल्डर और काइल मेयर्स, इनके बारे में थोड़ी सी बातचीत हम यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले मार्कस टॉइनिस जो है ना लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए स्टार्टिंग के 3 मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे, वो स्टार्टिंग के 3 मैच में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जेसन होल्डर और काइल मेयर्स की। भाई ये लोग जो है ना फिलहाल टेस्ट मैच खेल रहे हैं, जेसन होल्डर और काइल मेयर्स दोनों प्लेयर जो है ना लखनऊ के लिए स्टार्टिंग के 2 मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो भाई ये बहुत बड़ा झटका कहीं ना कहीं केएल राहुल की फ्रेंचाइज को लगा है। स्टॉइनिस स्टार्टिंग के 3 मैच नहीं खेलेंगे, जेसन होल्डर और काइल मेयर्स स्टार्टिंग के 2 मैच नहीं खेलेंगे। तो सब यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी छोटी सी बात करते हैं आकाश चोपड़ा की। तो भाई आकाश चोपड़ा ने ऐसा अपना दिया है प्रिडिक्शन कि ये साल के आईपीएल में जो है आरसीबी की टीम टॉप 4 में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। तो भाई इसका मतलब आप लोग समझ सकते हो, जितनी भी फैंस है आरसीबी के भाई वो लोग काफ़ी खुश हो रहे हैं, बिकॉज 90% केस में ऐसा देखा गया है कि आकाश चोपड़ा का जो प्रिडिक्शन है वो हमेशा भाई उल्टा ही होता है। तो क्या इस बार आरसीबी की टीम क्वालिफाई करके चैंपियन बन सकती है, ये देखने वाली बात होगी। बिकॉज ये साल जो है ना आरसीबी कैप्टन चेंज हुआ है, कैप्टन बदला है, तो किस्मत भी जरूर से बदलेगी। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपडेट तो ये आ रही है हमारे वुमेन्स आईपीएल को लेके। कल जो है ना एक बात कंफर्म कर दिया गांगुली ने कि वुमेन्स आईपीएल जो है ना अगले साल 2023 से होने वाला है, जिसको लेके जो है ना ऐसी अपडेट आई है कि वुमेन्स आईपीएल में जो है ना 6 टीम्स हिस्सा लेगी। जी हाँ भाई, जो 2023 में पूरा वुमेन्स का टूर्नामेंट होगा आईपीएल का, इसके अंदर जो है ना स्टार्टिंग में 6 टीम्स को खिलवाया जाएगा। आगे जो है भाई टीम्स को बढ़ाएंगे सब देखते हुए, लेकिन 2023 में जब हमारा आईपीएल चालू होगा वुमेन्स का, इसके अंदर जो है ना 6 टीम्स खेलते हुए देखेंगे। तो भाई काफ़ी अच्छी बात है, हमारे इंडिया में भी जो है कहीं ना कहीं वुमेन्स आईपीएल आ रहा है। तो सब बात करते हैं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की। तो भाई काफ़ी अच्छी खबर आ रही है, सचिन तेंदुलकर हम सभी को ये साल के रोड सेफ्टी टूर्नामेंट में खेलते हुए दिखाई देंगे। तो भाई काफ़ी अच्छी बात है, वो इंडिया के लिए खेलेंगे, जो कि दोस्तों ऑफिशियली 4 जून से जो है ना ये साल का रोड सेफ्टी टूर्नामेंट चालू होगा, जिसके अंदर जो है सचिन तेंदुलकर हमको खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। दोस्तों आईपीएल 2022 में जो है ना चेन्नई और मुंबई पहली ऐसी टीम बनी है भाई जो कि स्पॉन्सर के
मामले में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिए सिर्फ स्पॉन्सर को लेकर। तो भाई कितनी बड़ी टीम है ये, चेन्नई और मुंबई 100 करोड़ का जो आंकड़ा है भाई वो सिर्फ अपने स्पॉन्सर से ही पार कर दी, जो कि सबसे पहली टीम बनी जो कि इतना आंकड़ा पार कर पाई है आईपीएल 2022 में। तो सब यहाँ पे जो है ना हम लोग एट दी एंड बात करते हैं स्टीवन स्मिथ की। तो भाई हमको पता है टेस्ट सीरीज टेस्ट मैच जो है ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है, अब बारी है वनडे की और टी20 की। लेकिन स्टीवन स्मिथ ने जो है ना वनडे और टी20 से अपने नाम को वापस ले लिया कि वो जो है भाई खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे वर्सेस पाकिस्तान, बिकॉज जो उनकी एल्बो थी ना वो थोड़ी सी ज़्यादा उनको दिक्कत दे रही है, तो वो जो है ना पाकिस्तान को छोड़ के अपने देश जाएंगे, अपनी जो है कहीं ना कहीं एल्बो का ध्यान रखेंगे। इसके चलते जो है ना हम सभी को स्टीवन स्मिथ वनडे और टी20 में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे वर्सेस पाकिस्तान। तब ऑसिस की बोर्ड ने जो है ना भाई स्टीवन स्मिथ के रिप्लेसमेंट के तौर पर मिचेल स्विप्सन को स्क्वाड में ऐड कर लिया है वनडे और टी20 के। तो भाई ये थी हमारी आज की न्यूज़, वीडियो मैंने आप सभी को दे दी। आपने वीडियो को लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हो डिस्क्रिप्शन में जाओ लिंक पे क्लिक करो और टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लो। तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।